स्वागत है आपका आपके अपने चैनल की सम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्लास नंबर 4, जिसमें हम आगे के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूले रह गए थे उसके आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आज के पहले फॉर्मूले में साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये इक्वल टू कितना, माइनस में साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। ठीक है, तो पहला सब क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू कितना है y, इसको y लेट कर लेते हैं। अब इस साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इजिकल टू कितना, साइन y हो जाएगा। ठीक है, अभी माइनस के साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे साइन जो है वो नेगेटिव, साइन की वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर क्या दिखा रखी है, नेगेटिव दिखा रखी है। ठीक है, ये नेगेटिव दिखा रखी है, और नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव दो जगह होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जो इनवर्स की जो रेंज होती है, मतलब साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो थी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। ठीक है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। तो इसका आंसर क्या निकल सकता है, फर्स्ट में या फिर फर्स्ट क्वार्टर में निकलेगा या फिर फोर्थ क्वार्टर में निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, बट ये थर्ड क्वार्टर में आंसर नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर किस में निकालना है, फोर्थ क्वार्टर में। अब फोर्थ क्वार्टर में पहुंचने के दो तरीके होते हैं, या तो जीरो डिग्री से माइनस कर दो या फिर पाई बाई टू से, थ्री पाई बाई टू से प्लस कर दो। बट रेंज के अकॉर्डिंग कितना लिखना है, अब कौन सा माइनस 90 से लेके प्लस का 90 लगाना है। अब ये होता, ये कितना होता है, ये होता है 270, तो 270 में प्लस करके आगे बढ़ सकते हैं। बस ये तो आंसर निकालना नहीं है, बिकॉज आपको 90 माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो डिग्री से कुछ लेस करना पड़ेगा। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, साइन कितना, जीरो माइनस में वाई। अब जीरो माइनस वाई लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो सिंपल क्या लिख दो उसको, साइन माइनस वाई। ओके, अभी साइन को उठा के शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना, माइनस में वाई। अब माइनस के साइन को इधर शिफ्ट कर दो, इधर ले जाओ, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई। और वाई की वैल्यू कितनी निकाल रखी है अपने, लेट करी थी अपने, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम बाकी क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, बस आपको क्वाड्रेंट देखने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, बाकी फॉर्मूले भी ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों फॉर्मूले आपके सॉल्व हो जाएंगे सेम इसी तरीके से। बस आपको क्या देखना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट देखने हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आपको कराने, आप खुद प्रैक्टिस करिए इसके। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, जब से वीडियो को पॉज करके आप सुता लीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसमें लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना, पाई बाई टू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कितना, टेन इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं कितना, वाई। ठीक है, अब वाई लेट कर लिया इसको हमने, तो उसको क्या, अब टेन इनवर्स को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स इज गोल्ड कितना, टेन वाई हो जाएगा। अब एक्स को कितना, टेन वाई हो गई। क्या एक्स को हम कॉट के फॉर्म में ले सकते हैं, कॉट के फॉर्म में ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कॉट के फॉर्म में क्या लिख देंगे, अब टेन पॉजिटिव कहाँ का होता है, यहाँ होता है यहाँ होता है, लेकिन टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। ठीक है, ये टेन इनवर्स की रेंज होती है। तो इसका आंसर किस में निकला, फर्स्ट में या फिर फोर्थ में निकल सकता है। अब फोर्थ में तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में निकालेंगे और थर्ड वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब फर्स्ट में पहुंचने का तरीका क्या है, ये लेस करके या फिर ये जीरो ऐड करके। अब मैं जीरो ऐड करके लिख तो सकता हूँ, मतलब टेन जीरो प्लस में वाई ले सकता हूँ, ये मतलब कुछ चेंज होगा नहीं, मुझे क्या करना है, कॉट के फॉर्म में बनाना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कॉट कितना लिख दूंगा, पाई बाय टू माइनस में वाई लिख दूंगा। और ये हमें टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, 90 माइनस थीटा कितना होता है ना, तो कॉट पाई बाय टू माइनस वाई ले सकता हूँ। तो और कॉट को उठा के इधर शिफ्ट कर देता है, कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना, पाई बाय टू माइनस में वाई। और कॉट इनवर्स को ऐसे ही कॉपी करा मैंने, और पाई बाय टू को कॉपी करा माइनस में वाई, और वाई के लिए कितनी दे रखी है यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस शिफ्ट करने में क्या होगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना, पाई बाई टू। ये आपको प्रूव हो गया। ठीक है, सेम एज बाकी क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से करने हैं, मतलब बाकी के फॉर्मूले जो है, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाई टू, सेम ऐसे ही करना है, और कॉस और सेक का भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो मैं कॉस और सेक का एक बार करा के दिखाता हूँ, साइन और कॉस का सिंपल वैसे ही करना है, बट ये भी वैसे सेम है तो सेम ही, बट फिर भी एक बार आपको मैं करा के दिखा देता हूँ एक और।
ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखते कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू। ठीक है, ये पाई बाई टू होता है, सेम वही करना है, लेट कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स को, वाई लेट कर लेते हैं, हम चाहे तो इसको भी लेट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा ये, तो एक्स को इधर लेते हैं, कॉसेक इनवर्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा कॉसेक वाई हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक वाई हो गया, अब सेम है, कॉसेक को हम किस फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वही सेक पाई बाय टू माइनस में वाई लिख सकता हूँ। अब सेक को देखिए इधर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे पीछे कर रहा था, सेक इनवर्स एक्स हो गया, ये हो गया पाई बाय टू माइनस में वाई हो गया, अब पाई बाय टू माइनस में वाई, तो अब वाई के लिए कितने आपने लेट करिए, ये लेट करिए अपने कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको देखिए शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई बाय टू, ये आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई इजिकल टू कितना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस में एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को हम ए लेट कर लेते हैं और टेन इनवर्स वाई को बी लेट कर लेते हैं, जैसे पीछे में लेट कर रहे थे हम वाई लेट कर लेते हैं, बिकॉज दोनों ने टेन इनवर्स दोनों इस वाले में दोनों एक्स एक्स वाली फॉर्म थी। ठीक है, तो उसी में किसी एक को वाई लेट कर लिया समझेंगे, अब यहाँ पर वाई तो लेट करेंगे नहीं, बिकॉज ये वाई वाली फॉर्म तो पहले से दे रखी है इसमें, तो हमने कुछ ए और बी लेट कर लिया। ठीक है, ओके, अब ये लेट करने के बाद क्या करेंगे, अपने इलेवंथ क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन ए प्लस बी का, है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस में टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ओके, अब ध्यान देखिए, इस वाले में टेन ए को आपने लेट कर, टेन ए कितना होगा, यहाँ से अगर उसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा tan a, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना tan b हो जाएगा, अगर tan को इधर शिफ्ट कर दिया तो मैंने हो जाएगा। ठीक है, तो tan a की वैल्यू कितनी, यहाँ पर x है और tan b के लिए y है, तो 1 माइनस में x और y। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया tan a प्लस में b, अब tan को उठा के चले जाओ तो यहाँ पर आ गया a प्लस में बी इक्वल टू कितना टेन इनवर्स, मतलब टेन को जब शिफ्ट करें तो टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस फाइव आपको वन अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, कुछ कुछ देखो ये लेफ्ट साइड बन गया, बस ये वाली साइड की बाकी है, अब देखो ए की वाली कितनी थी, वही दोबारा पुट कर दो, ए को हमने लेट करा था टेन इनवर्स एक्स प्लस में इसको लेट करा था टेन इनवर्स वाई। ठीक है, और ठीक है ए और बी के लिए पुट कर दो, इसको तो मैंने इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ वहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, ये जो प्लस वाला फॉर्मूला है और ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ये भी सेम टू सेम है, बस जैसे ये करा था वैसे प्लस की फॉर्म में था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बाकी सब कुछ सेम सेम चलेगा इसमें। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर लिखा टू टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला कुछ आपको देखा देखा सा लगेगा, ये आपने इलेवंथ क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन कितना साइन टू एक्स का फॉर्मूला, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला वैसे तो एक टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी पढ़ा था, बट एक और होता है तो टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर प्लस होता है, वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी अपने साइन टू एक्स में पढ़ी थी। ठीक है, ये लुक लाइक सेम टू सेम लग रहा है, तो बस यहाँ पर देखो इस वाले में देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या होना चाहिए टेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये टेन एक्स होना चाहिए, है ना, तो हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे कि एक्स इज इक्वल टू कितना टेन
वाई, मतलब टेन एक्स लेट नहीं कर सकता, तो इसलिए कुछ और, यानी कि ए बी सी में तो मैंने कुछ और लेट, मतलब वाई लेट कर लिया यहाँ पर, कुछ अलग लेट करना है। एक्स एक्स को मैं टेन एक्स नहीं लेट कर सकता, इसलिए मैंने इसको टेन वाई लेट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो टेन ए बी कर सकता हूँ, ठीक है, तो टेन एक्स लेट करा। अब टेकिंग आर एच एस, आर एच एस लिया, तो पहले तो मैं उसको कॉपी कर देता हूँ आर एच एस को, सॉरी फॉर्मूले में माइनस है कि प्लस है, यहाँ तो माइनस है, माइनस है तो माइनस है, तो सर ये फॉर्मूला अपने इसमें, सॉरी ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगा के sin 2x वाला नहीं, इसमें लगाएंगे tan 2x वाला। तो tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले इसमें, ठीक है, इसे 10 की फॉर्म में लेट करा, इसमें भी 10 की फॉर्म है, ठीक है, ये माइनस वाला मेरे को लगा प्लस वाला, इसलिए मैंने वैसे सॉल्व करने लग गया था उसको, ठीक है। तो अब 10 में से कॉपी करा, अब जो 2 को कॉपी करा ऊपर जो लिखा हुआ है, अब जो x है ना, x को मैंने क्या लेट करा है, 10 वाई लेट करा है, तो मैं इसको 10 वाई लिख देता हूँ। तो 1 माइनस में वाई की एक्स किया जाएगा, 10 स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन अपने फॉर्मूला पड़ा है अभी जो अपने देखा था ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको आगे करने के लिए देखो यहाँ पर करूँगा, 10 में इसको कॉपी करा, ठीक है, 10 कॉपी करा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 2। अब थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा वाई है, तो इसमें 2 वाई लिख दूंगा, ठीक है। तो 10 से 10 से कितना गया, 2 वाई हो गया, तो 2 को कॉपी करा, और यहाँ पर वाई के लिए कितनी थी, यहाँ से अगर मैं वाई के लिए निकालूंगा तो वाई इज गोल्ड कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स में एक्स, मतलब 10 को उधर शिफ्ट करने के बाद कितना हो जाएगा ये, तो वाई के लिए कितना आ गया, 10 इनवर्स एक्स आ गई, ठीक है। और आपको देखो एल एच एस प्रूफ हो गया, यानी कि जो आपका एल आर एच एस था वो किसके इक्वल आ गया, एल एच एस के, ठीक है, समझ गया, आ गया होगा। देखिए बाकी दोनों फॉर्मूले भी सेम ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, उसको उतार लीजिए और हम आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स में 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए सिंपल, ये वही वही जो अभी पहले समझा रहा था मैं, sin 2x का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, ये इसकी, तो ये हो जाए 10 की फॉर्म में, तो ये कितना हो जाता है, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x होते हैं, ठीक है। बस ये देखते ही इसे क्या लेट करना है, x को हम मैं लेट कर लूँगा कितना, 10 वाई लेट कर लूँगा, ठीक है। और टेकिंग वॉट, टेकिंग आर एच एस, आर एच एस लूँगा, तो आर एच एस लेके इसको मैं कॉपी करता हूँ आर एच एस को पहले, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, साइन इनवर्स लिखा 2 और x की क्या लिख दिया, 10 y अपॉन में कितना, 1 प्लस में 10 स्क्वायर y, ठीक है। तो साइन इसको कॉपी करा जैसे पीछे कर, और सेम सेम इसको मैंने कॉपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 और थीटा कितना इसका y है, तो उसमें इसे 2y लिखूंगा, ठीक है। अब वही साइन से साइन कैंसिल, बट कैंसिल करके दिखाना नहीं, तो आंसर कितना है, 2y आ गया। तो 2 लिखा, y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, तो y निकालना, तो 10 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स में x, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10 इनवर्स में x, तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली cos वाले भी फॉर्मूला कर देना, cos वाले में ध्यान रखिए, cos वाले का फॉर्मूला सिंपल वही होता है, 1 माइनस में 10 स्क्वायर होता है अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x होता है, किसका, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वही 10 वैलिड कर लीजिएगा बस x को, और कुछ नहीं, जैसे बाकी करें वैसे सेम इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।